अलवर शहर के जवाहर नगर कॉलोनी में लंबे समय से पट्टा जारी नहीं किए जाने को लेकर स्थानीय प्लॉट धारकों द्वारा गुरुवार को अलवर नगर विकास न्यास की कार्यशैली के चलते खासा आक्रोश देखने को मिला, जिसे देखते हुए गुरुवार को जवाहर नगर कॉलोनी निवासियों द्वारा अलवर UIT सचिव से मिलकर इस मामले में बेहतर कार्यवाही करते हुए आगामी पट्टा अभियान के तहत उक्त मकानों को पट्टा दिलाए जाने की बात रखी। जवाहर नगर कॉलोनी से जुड़े हुए फूल सिंह चौधरी ने बताया कि जवाहर नगर कॉलोनी 1980 से बसावट क्षेत्र में आने लगी थी, जिसके बाद तकरीबन 2017 में कई दर्जन प्लॉट धारकों द्वारा 53 फाइलें UIT में जमा कराई गई, लेकिन अलवर UIT से जुड़े अधिकारियों द्वारा पट्टा दिए जाने को लेकर विभिन्न तरह के बहाने बनाए जाने लगे, जिसके बाद स्थानीय लोगों द्वारा स्वयं के प्रयासों के आधार पर DIG स्टाम्प से उक्त फाइलों से जुड़े रजिस्ट्री भी UIT अलवर को उपलब्ध कराई गई। लेकिन इन सबके बाद भी अलवर नगर विकास न्यास द्वारा उक्त कॉलोनी का सर्वे कर जल्द मामला निस्तारित किए जाने का नया बहाना मार दिया गया। लेकिन इन सब के बाद भी तकरीबन 1.5 साल पहले कॉलोनी का सर्वे होने के बाद भी आज तक जवाहर नगर कॉलोनी से जुड़े तकरीबन 251 प्लॉटों को लेकर कोई भी पट्टा जारी नहीं होने की स्थिति बनी हुई है, जिसमें से तकरीबन 200 प्लॉटों पर मकान भी बन गए हैं, जिसके तहत आज वो लोग अलवर UIT सेक्रेटरी से मिले और मामले में जल्द से जल्द समाधान किए जाने की मांग की गई। हमारे जवाहर नगर कॉलोनी सन 80 से बसी हुई है और हम 2017 को 53 फाइल हमारी 2017 से UIT में जमा की हुई है, लेकिन आज तक उन पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। बार बार इतने चक्कर काट लिए हमसे, सबसे पहले इन्हें कहा गया कि हमारे पास जवाहर नगर के जो रजिस्ट्री हुई है खातेदारी की, उसके हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। हमने DIG स्टाम्प ऑफिस से अपने स्तर पर अपने पैसे खर्च करके इनको सारी चीज़ें उपलब्ध करवाई, उसके बाद इन्होंने बोला कि हम सर्वे करवाएंगे जवाहर नगर का। फिर 1.5 साल पहले जवाहर नगर का सर्वे हो गया, खसरे सुपर इम्पोज हो गए, ये बहाना इनका ख़त्म हो चुका। उसके बावजूद भी फिर कोई कार्रवाई, फिर नया बहाना, गवर्नमेंट के आदेश आने दो। अब परसों गवर्नमेंट के ये आदेश आए कि 2009 से पहले जितनी भी कच्ची बस्तियां और कॉलोनी बसी हुई हैं उनमें किसी की कोई रोक टोक नहीं है, गवर्नमेंट की कोई तरह की रुकावट नहीं है, उन्हें पट्टे जारी किए जाएं। लेकिन जवाहर नगर का मैटर इन्होंने इतना पेचीदा बना दिया, सिर्फ UIT ने, बाकी है कुछ नहीं। 291 प्लॉट जवाहर नगर के हैं, जिसमें से 200 प्लॉट कंप्लीट बन चुके और उनमें जो रह रहे हैं आज लोग 40-40 साल से रह रहे हैं, उनका नल बिजली का कनेक्शन देखो आप, सारी चीज़ देखो, हम सब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर भी हमें कोई पूर्ण रूप से आश्वासन UIT की तरफ से नहीं मिलता। आज हम UIT में सेक्रेटरी मैडम से मिले हैं, उनसे बातचीत करी, हमने अपना जो प्रस्ताव रखा उनके सामने, हमने अपनी समस्या उन्हें बताई, उन्होंने ये कहा है कि ठीक है मुझे एक हफ्ते का समय दीजिए, एक हफ्ते में मेरे को आपकी ये फाइल पूरी चेक कर लेने दो, तो मैं सोमवार को आप में से कोई भी आ जाना, मैं आपको तुरंत उसका जवाब दूंगा।